हम यूथ पावर से पूरा समस्त युवा यहाँ पे खड़ा है ज्ञापन देने के लिए मेयर साहब को और नगर आयुक्त को कि दीपावली का त्यौहार है और दीपावली का जो त्यौहार है वो साफ सुथराई जगमगा जैसे जग लाइट से बनाया जाता है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए हैं कि शहर को वो साफ सुथराई करके एक उभार दें दीपावली का कि जगह जगह मंदिरों के आसपास गली कूचों में स्ट्रीट लाइट्स की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करी जाए और मंदिर के आसपास पूरी साफ सुथराई करी जाए। रौनक जौली जी, क्या मांगे हैं? मांग हमारी बस इतनी सी है, जैसे कि वनवास को पूरा करने के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे थे, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया था, पूरे अयोध्या जो है दीपों से जगमगा दिया गया था, ठीक उसी प्रकार आज दीपावली के इस समय पे हमारे बरेली को भी चमकाना चाहिए। आप सुभाष नगर जाइए, कर्मचारी नगर जाइए, बरेली के ऐसे विभिन्न इलाके हैं जैसे कि मेन इलाका राजेंद्र नगर, आप वहाँ पे भी जाइए तो आपको कचरे के ढेर मिलेंगे, मंदिर के निकटतम आपको लाइट की व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलेगी, स्ट्रीट लाइटें इतनी वो नहीं होंगी। तो उस चीज़ के लिए हम आज माननीय मेयर साहब, माननीय नगर आयुक्त साहब से मुलाकात करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि इस चीज़ को दुरुस्त किया जाए ताकि दीपावली पे शहर चमकाना चाहिए जैसे कि श्री राम जी के वनवास से लौटने के बाद जगमगाया था। क्या नाम है आपको? अंकित मक्कर, प्रदेश महामंत्री यूथ पावर्स। क्या मांगे हैं आपके? देखिए, दीपावली का समय करीब है और जैसे आप हम सब जानते हैं कि हमारे आराध्य श्री राम जी वनवास से लौट के आए हैं और वो इस समय वनवास से लौट के आए हैं और दीपावली का जो भी त्यौहार है सब साफ सुथराई से मनाया जाता है और जब लाइट्स से मनाया जाता है, लाइट्स सब तरफ होनी चाहिए। तो हम लोग ज्ञापन देने आए नगर आयुक्त जी को और मेयर साहब को कि शहर में तरह तरह के जो भी गंदे जहाँ पे गंदगी पड़ी है, जो भी कूड़ा कचरा पड़ा है और जो भी मंदिर है, मंदिरों के आसपास अब साफ सुथराई होनी चाहिए, सभी स्ट्रीट्स की गली कोचों की जो भी लाइट्स हैं उनकी व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त होनी चाहिए। हम यही ज्ञापन लेके अपने मेयर साहब और नगर आयुक्त जी को देने आए। किस संस्था से आए? यूथ पावर वेलफेयर समिति।